स्टार प्लस की सीरियल उड़ने की आशा में आज नई बहू रानी ने बनाई है कॉफी अपने सास और ससुर के लिए। और जरा देखिए कैसे भाई ससुर अपनी बहू की इस कुकिंग स्किल से बेहद खुश भी है क्योंकि उन्हें कॉफी बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। लेकिन भाई रेणुका तो रेणुका है, वो अपना गुस्सा कैसे ना दिखाए। तभी तो देखिए कॉफी पर भी वो अपनी बहू रानी को ताने मार रही है। इतना ही नहीं, जब कहानी में सचिन की एंट्री होती है तब जरा देखिए कैसे वो अपनी ही बीवी को नौकरानी कह देता है। भाई उसे तो पता ही नहीं है कि उनके घर के सारे काम अब उसकी बीवी कर रही है। और जब वो अपनी कमाई अपने घर वालों को दिखाता है तो भाई उसके बाबा और उसकी बीवी बेहद ही खुश हो जाते हैं। और साइली सचिन से इन पैसों को अपनी माँ को देने के लिए कह देती है। लेकिन भाई ये बात भी रेणुका को हजम नहीं हुई, तभी तो देखिए कैसे वो उसे ताने मार रही है। हजार किलोमीटर गाड़ी में घस के आया मैं, उसको भाई को बर्तन का क्रेडिट देगा मैं? अरे बाबा आज तक तेरे को देता आया ना, तेरे को ही देगा। वरना ये तो वो बात हो गई कि इंडिया मैच जीती पर ट्रॉफी किसको दिया? ताली बजाने वाली पब्लिक को। काय को देगा? तू बोला इसको दे, ये बोल दिया इसको दे, इससे अच्छा तो ये पैसे मेरे जेब में टिकते ना, निकाल के रख दे, क्या मैं ही रख लेता है। पैसे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे लाडले के पैसे, ये तो काफी साल से कमा रहा है, तो आज ही पैसे क्यों दे रहा है? आज क्यों लूं मैं इससे पैसे? आज दे रहा है ना तो खुशी खुशी दे और आशीर्वाद दे, अच्छा कमाए, खुश रहे। मैं नहीं लूंगी इसके पैसे, बोला ना मैंने, आज ले लिए तो ये दीवाने बैठ जाएगा, मुझे वो झंझट ही नहीं चाहिए। अपना बेटा आपने मेहनत की कमाई तुझे दे रहा है, अच्छा ठीक है पैसे मत ले लेकिन आशीर्वाद तो दे उसे। ऐसा है कि मैं सचिन को अपना बेटा मानती ही नहीं हूँ, काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड है उसको लेके, और कोई भी चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है उसकी। और ये बहू जो आई है घर में फूल वाली, वो तो मुझे चाहिए ही नहीं क्योंकि वो मेरे लेवल की नहीं है, मेरे स्टेटस की नहीं है, और ये थोपा गया है मुझ पे। और मैं बहुत एम्बिशियस लेडी हूँ रेणुका, और रेणुका को बिल्कुल ये घर बर्दाश्त नहीं होती लड़की, और ना ही वो सचिन भी बर्दाश्त नहीं होता। तो वो आके, वो बहू इतनी अच्छी है एज ऑलवेज़, वो बोलती है सचिन को तुम पैसे अपनी माँ को दे दो। तो ये बात मुझे बिल्कुल ही पचती नहीं है, बिकॉज़ ये तुम कैसे कह सकती हो, तुम क्यों बड़ी बनोगी टाइप्स, यू नो। तो ये भी मुझे गुस्सा है, और ये पैसे तो मैं लूँगी नहीं, जैसे मैंने सीन में कहा कि पैसे तो मैं लूँगी नहीं, ऐरा गहरा है तू, मैं तेरे से क्यों पैसे लूँ। इतना ईगो है इस औरत का कि वो पैसे भी नहीं लेना चाहती, मतलब शी इज़ नॉट ग्रीडी, पैसों को लेकर कहीं से भी पैसे लेगी ऐसी नहीं है, उसका ईगो बहुत स्ट्रांग है। वो एक बैक स्टोरी है उसकी जो आगे आगे समझ में आएगी, अभी तो रिवील नहीं कर सकती, बट वो स्टोरी में ही है कि वो उसको नहीं मानती है, उसने बचपन में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग है माँ के दिल में उसके लिए, और वो अनपढ़ है, गवार रह गया है क्योंकि उसको गांव में रखा गया था, और इसलिए उसको रेणुका को ये पसंद ही नहीं। और दूसरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, भले ही बुकवर्म है पर पढ़ा लिखा है, और बहुत उसको लगता है वो बहुत उसके स्टेटस वाला है, वो पैसे लाएगा, बहुत लाखों कमाएगा, और ये गवार है। तो बस उतना ही वो लेके चल रही है, उसकी जो बैक स्टोरी है वो बाद में रिवील होगी। उसमें ये था कि जो ससुर दिखाए है परेश, वो उनके लिए तो वो बेटी है, वो बहुत पॉजिटिव है, और वो तारीफ़ ही तारीफ़ करते रहते बहू की, एक बच्ची आई है नई घर में तो उसकी तारीफ़ उसको इनक्रेज करते रहते हैं, पर ये रेणुका को पसंद नहीं। और चूँकि रेणुका को पसंद ही नहीं है ये लड़की, वो तो खोट निकालेगी, टिपिकल सास भी है और ऊपर से हेट्रेड है, तो वो तो उसको ताने मारेगी, डांटेगी, ये करेगी, मतलब वो ही है रेणुका, बिकॉज उसकी एम्बिशन पूरी नहीं हुई है, बिकॉज वो ईगोइस्टिक है, और बिकॉज उसके सपने हैं बहुत सारे, वो कभी लाइफ में पूरे ही नहीं हुए हैं, तो उसको लगता है कि मुझे मेरे बेटों के थ्रू मैं वो सपने पूरे करूँ, उनके लिए अच्छी बहुएँ लाऊँ। पर ये ऐसी फूल वाली आ गई, एंड फूल वाली एंड ऑल, उनका स्टेटस कहाँ और मेरा कहाँ, ना ही ये लोग भी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है,
बैरूत का, वो एक उसे लगता है कि वो बहुत ही हाई फाई है। ट्विस्ट मतलब ये पूरा फैमिली या हमारा ड्राइंग रूम का ही ड्रामा रहेगा, और कैसे मुझे अभी तेजस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका क्या होगा आगे स्टोरी, ये देखने को मिलेगा। वो इंटरेस्टिंग है कि तेजस का क्या हुआ है, गया है नहीं गया है, वो देखने वाली चीज़ है। सचिन ट्रांसपेरेंट है, मन का साफ है, बहुत अच्छा है, जिम्मेदार है, और तेजस एग्जैक्टली उल्टा है। अभी तेजस के ट्रैक में क्या आएगा वो देखना, मतलब वो देखने वाली बात है। भाई सचिन और साइली का ये खट्टा मीठा रिश्ता तो चलता ही रहेगा, लेकिन इंतजार है तो इनके करीब आने का। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और हाँ ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अब तो आप जानते ही हैं कि हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए, ताकि आप सबको मिले 24/7 एंटरटेनमेंट का अपडेट।